हेलो फ्रेंड्स, आज आपसे डिस्कस करना चाहूंगा ये एक इमरजेंसी स्टॉक के बारे में जो कि इसको एक हैपे मैंने एनो एलिमेंट्स लगा दिया है। सो फ्रेंड्स, ये जो इमरजेंसी स्टॉप्स होते हैं ये पैनल एक्सेसरीज करके काम में आते हैं। सो पैनल पे इसे लगाते समय लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि इसे किस प्रकार से उसके ऊपर लगाया जाए। सो फ्रेंड्स, अभी ये जो एलिमेंट है मेरे हाथ में अभी ये निकल ही नहीं रहा है, आप देख सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये आपका वाला एनो एलिमेंट यहाँ से खोल लेना होगा। तो ये एनो एलिमेंट जब आप यहाँ से निकाल लोगे, वैसे तो ये एनो एलिमेंट इसके साथ में लग के नहीं आएगा लेकिन ये एलिमेंट इसके साथ में जरूर लग के आएगा। तो बहुत से लोग ये स्क्रू खोलने का कोशिश करते हैं, ये नर्स भी खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ आपको ये ऐसा टिल्ट करना और निकालना है। आप ऐसा इसे फिर से लगाते समय ऐसा लगा सकते हो, तो भी ये नहीं निकल पाएगा आप कितना भी कोशिश करोगे। तो दैट्स व्हाई बहुत सारे लोगों को इसे किस प्रकार से लगाना है ये नहीं पता चलता है। तो दैट्स व्हाई मैं आपको इसका एक ट्रिक बताता हूँ, बस इसे इस प्रकार से आप टिल्ट करके निकाल सकते हो और आसानी से आपके पैनल पे इसको लगा सकते हो। तो चलो अब हम इसको एक पैनल के ऊपर भी आपको माउंट करके दिखाते हैं ताकि आप भी इस प्रकार के पैनल एक्सेसरी पैनल में सही तरीके से माउंट कर सकते हो। लेकिन पैनल को उसके लिए आपको यहाँ पे देने होंगे 25 mm के स्लॉट्स। सो फ्रेंड्स, ये जो स्विच है ये स्विच मैं अभी इस पैनल्स पे आपके सामने माउंट करके दिखाता हूँ। तो आपको मैंने ट्रिक बताया था ये प्रकार से इसे इजीली आप अभी ये अटक चुका है निकाल सकते हो, मैंने निकाल भी दिया है। तो पैनल्स पे माउंट करते समय आपको यहाँ पे ये जो मैंने पैनल पे जो छोटा सा होल करवा लिया है 25 mm का, उसमें से डालना होगा और पीछे से इस स्विच को ऐसा आपको लगा, यानी ये जो एलिमेंट है पीछे से लगाना होगा। मैं आपको पिछला वाला वीडियो भी दिखाता हूँ। थोड़ा पैनल को मैं टिल कर इसे इस प्रकार से डाल लेता हूँ और इसी मैं पैनल को टिल कर लेता। आशा करता हूँ कि आपको अभी ये सारा दिख रहा होगा। सो फ्रेंड्स, ये देखो ये जो स्विच है ये स्विच का, सो फ्रेंड्स ये जो देखो ये स्विच है मैंने उधर से अभी से डाल दिया हुआ है और ये स्विच का जो भी आपको जो एलिमेंट्स है वो इस एलिमेंट में हमें डालना होगा। सो डालते समय सिर्फ ये इस प्रकार से ना डालिएगा, इस प्रकार से आपको डालना होगा ये एक्चुअली, ये देखो, ताकि हम ये आसानी से उसके ऊपर कस सकें। सो अभी ये जुड़ चुका है, हमें इसे सिर्फ टाइटनेस करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो नट्स होते हैं बस इसे अभी हमें टाइट करना होगा ताकि ये पैनल पे सही तरीके से माउंट हो सके। धीरे धीरे इसे करना है फ्रेंड्स, थोड़ा नीचे वाला भी आपको लेना होगा। तो इस प्रकार से अब मैं ये मेरे पैनल पे सही तरीके से माउंट कर चुका हूँ, आप देख सकते हो। ओके, तो ये ऑपरेट भी हो रहा है और किसी भी प्रकार से ये हिल नहीं रहा है। तो आप भी इस प्रकार से काम जरूर कर सकते हो। और फ्रेंड्स, साथ में आपका जो भी एनो एलिमेंट है, ये एनो एलिमेंट्स लगाने के लिए आपको यहाँ पे छेद दिए होते हैं, आपको यहाँ पे वो नजर दिखाई दे रहे होंगे। तो ये एनो एलिमेंट्स का आपको यहाँ पे एक छोटा सा जो स्क्रू है वो भी दिख रहा होगा। ओके, तो ये स्क्रू वहाँ पे आपको मैच करना है ताकि जब भी आप इसे दबाओगे तो ऑटोमेटिकली ये एनो एलिमेंट का जो नॉब है ये नॉब से दब जाए और आपका स्विच ऑपरेट्स हो जाएगा। अभी मैं इसे फिर से खोल लेता हूँ और इसे यहाँ पे भी एनो एलिमेंट को मैच करवाता हूँ। अभी आपका एनो एलिमेंट यहाँ पे मैच हो चुका है और हम इसे आसानी से काम में भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर कुछ वायर जोड़ना चाहते हो तो इसको इस प्रकार के वायर भी आप इसमें जोड़ सकते हो, जो कि 24 LDC अगर PLC के लिए आप इसे काम में ले रहे हो तो यहाँ पे 24 LDC का एक वायर लगाएगा और दूसरा जो वायर है वो आप इस नीचे लगा के प्रकार से आसानी से सिग्नल आगे लेके जा सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको सारा समझ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।